गुड मॉर्निंग। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड की पहली कविता पढ़ेंगे, उसका नाम है भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा का अर्थ होता है झंडा। देखिए मैंने झंडा निकाला है यहाँ पर, आपको पता होगा अपने झंडे में एक तीन रंग होते हैं। पहला रंग कौन सा होता है? वो नारंगी से सैफरन होते हैं। सेकंड बीच में होता है वह सफ़ेद वाइट, थर्ड होता है ग्रीन हरा। तीन रंगों का हमारा झंडा होता है बच्चों, और ये झंडा हर एक को प्यारा होता है, क्योंकि किसी को भी लगता है कि मैं मेरे देश का झंडा कहीं भी लहराऊँ मतलब क्या करूँ, मैं मेरे देश का नाम ऊंचा करूँ। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि हम हमारे हाथ में झंडा लेकर देश का नाम हमें ऊंचा करना है। देखो बच्चे क्या कहते हैं, ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। बच्चे कहते हैं, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान हमें कुछ समझता नहीं, लेकिन हमारे मन में इच्छा शक्ति है, नादान उम्र के कच्चे हैं। यानी बच्चे कहते हैं कि हम छोटे बच्चे लेकिन हमारी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। लेकिन हमारी जो धुन है, हमारी जो लगन है, हमारी जो विल पावर है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत माता की जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम क्यों कहते हैं कि हमें हमारे जो भारत माता है, हमारा जो इंडिया है, हम भारत माता के हमेशा गीत गाएंगे, उसका जयजयकार करेंगे, और जो ध्वज है वो ध्वज हमेशा हाथ में लिए उड़ाते रहेंगे। ऐसे कह रहे हैं बच्चों पहले पंक्ति में। अगली पंक्ति बच्चे कहते हैं कि अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम हमारा जो मार्ग है, हमारा जो पथ है, वो पथ हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। हमारा जो हमने जो प्रण लिया है, हमने जो इच्छा से प्रतिज्ञा ली है, प्रण का अर्थ प्रतिज्ञा होता है, वो प्रतिज्ञा हम कभी नहीं तोड़ेंगे। प्रतिज्ञा कौन सी ली है कि हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, हमारे ध्वज को हमेशा उड़ाना है, उसे फहराना है। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हमेशा हिम्मत से आगे जाएंगे, हिम्मत से हमारा नाता जोड़ेंगे, शक्ति से आगे जाएंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हिमगिरी का अर्थ होता है बच्चों हिमालय पर्वत, उसे बोलते हैं हिमगिरी। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत है। तो बच्चे कहते हैं हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हमारे में इतनी ताकत है कि हम चलते चलते हिमालय के पर्वत तक हम जा सकते हैं, और हिमालय के पर्वत में जाकर हम भारत का झंडा वहां पर गाड़ देंगे। हमारी भारत की ध्वजा तो है, वह ध्वजा हम हमेशा उड़ाते रहेंगे। आगे बच्चे कहते हैं, जननी की जय जय बोलेंगे, अपनी ताकत को तोड़ेंगे। जननी यानी हमारी भारत माता, हमारी भू माता, धरती माता। हम हमारे धरती माता की हमेशा जय जयकार करेंगे, अपनी ताकत को तोड़ेंगे, हमारी शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे। बड़े द्वार विजय का खोलेंगे, हम धीर वीर कहलाएंगे। हम हमेशा हमारी विजय की पताका कहीं पर भी लगाएंगे, विजय का द्वार हम खोलेंगे, और हम धीर वीर कहलाएंगे। हम बच्चे क्या कहलाएंगे? धीर और वीर, धीर और वीर हम कहलाएंगे, भारत की ध्वजा हम उड़ाएंगे। ऐसे बच्चे कह रहे बच्चों, बहुत ही छोटी कविता है, एक बार में तीनों पंक्ति आपको बताता हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, माता की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। बड़ द्वार विजय को खोलेंगे, हम धीर वीर कहलाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ये शब्दार्थ मैंने आपके सामने रख दिए बच्चों। धुन का अर्थ है लगन, प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा, हिमगिरी का अर्थ है हिमालय, ध्वजा का अर्थ है झंडा, ताकत का अर्थ है शक्ति और बल। ये शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिख लेना, चित्र भी आपको निकालना है। उसके बाद में आज आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप लिख लीजिए। होमवर्क ऐसा है, प्रश्न पहला ऐसा है कि बच्चे अपना नाता किससे जोड़ेंगे, बच्चे अपना नाता किससे जोड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, कविता में कहाँ चढ़ने की बात कही गई है, कविता में कहाँ चढ़ने की बात कही गई है, मैंने बताया आपको अभी। तीसरा प्रश्न है, नन्हे बच्चे क्या कहलाएंगे, नन्हे बच्चे क्या कहलाएंगे। चौथा प्रश्न है, बच्चे किसकी जय बोलेंगे। ये चार प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखने हैं, झंडे का चित्र आपको बनाना है, और कविता को अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू।